द फॉलोइंग रीजन या रीजंस वाज वर करेक्ट फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के कौन कौन से रीजंस थे, वो पूछा गया। दो दिए गए हैं, ईजी क्वेश्चन है। औरंगजेब वॉज वीक एंड इनकेपेबल, औरंगजेब था वो वीक था और इनकेपेबल था, ये एक रीजन है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का, हो सकता है। एलिजियंस ऑफ जमींदार वॉज टुवर्ड्स किंग, एलिजियंस जो थी जमींदार की पूरी वो किसकी तरफ थी, किंग की तरफ थी, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहली स्टेटमेंट आंसर करना काफी इजी है क्योंकि आपको पता है औरंगजेब वॉज नॉट वीक एट ऑल, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो इनकेपेबल था, इवन दो उसकी पॉलिसीज जो थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन इनकैपेसिटी कहीं पे भी नहीं देखी जा सकती। औरंगजेब के बाद जितने भी एम्परर्स आए, जितने भी रूलर्स आए, वो सारे के सारे वीक और इनकॉम्पिटेंट थे, लेकिन औरंगजेब के बारे में ये चीज़ कहना गलत होगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इसी वजह से गलत हो जाती है। अब बात करते हैं, क्या एलिजियंस ऑफ जमींदार वॉज टुवर्ड्स किंग? नाउ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये एक रीजन नहीं था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। पहला रीजन तो ये था कि औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए वो वीक थे, इनकेपेबल थे और अपनी पूरे के पूरे साम्राज्य को सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे। दूसरा था, उस वक्त दो क्लासेस होती थी कि किंग तो सबसे ऊपर होता था, फिर उसके नीचे होते थे जमींदार्स और नोबल्स। अब नोबल्स जो हो गए ये काफी पावरफुल पोजीशंस को होल्ड करते थे, जमींदार जो थे ये भी अपनी तरीके से काफ़ी पावरफुल थे क्योंकि रेवेन्यू सोर्सेज जो थे यही प्रोवाइड करते थे। शुरू में जो जमींदार की एलिजियंस होती थी वो किंग के टुवर्ड्स में होती थी, पूरा डेडिकेट करके किंग को वो सर्व किया करते थे, चाहे वो रेवेन्यू से सपोर्ट करना हो या दूसरी चीज़ों से करना हो, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि जो किंग अपने आप में है वो वीक हो चुके हैं और जो नोबल्स हैं उनका जो स्टैचर है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उनकी एलिजियंस ये जो थी ये शिफ्ट हो गई नोबल्स की तरफ, कि नोबल्स को उन्होंने खुश करना शुरू कर दिया क्योंकि अब उनको पता था कहीं ना कहीं जो रूल है पूरा एम्पायर का वो किंग नहीं चला रहा है, वो कहीं ना कहीं नोबल्स चला रहे हैं, और जमींदार की एलिजियंस जो थी वो शिफ्ट होकर किंग से कहां गई, नोबल्स की तरफ आ गई। तो एलिजियंस ऑफ जमींदार वाज टुवर्ड्स किंग, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर।